अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। वमेश थावान जो सैन सारी दोस्त आसन खुश तो खुशहाल आबाद, तो सी ये वमेश थावान जे ये नो रेत ही सान बापत गुतुल शीन हेत बरकत हेत रहमत हेत इंशाल्लाह। तो अस दोनवे तुहुंद मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के युक बे आख नो ताज़ शुमार हेत तुहंदिस खदमत अंदर हाजिर। हुमैरा तुशवा ठीक? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्लाह का घर में शुक्र, सभी ठीक? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी यु जन बालई इलाकन वन शीन लव हिश पे क्या बासान तुह खुशी सपदे या? वैसे मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पे श्रीनगर में बारिश या बर्फबारी हो जाए, मैं उसी के लिए वेट कर रही हूँ। मतलब मैदानी आपको इलाकों में पता है, बारिश मुझे या याद बर्फबारी आ होनी रहा है चाहिए। पिछली मर्तबा जब बर्फबारी हुई थी ना, हम दोनों ने साथ में प्रोग्राम किया हुआ था, फिर हम यहाँ से निकले, हमने काफी सारा एंजॉय किया, पिक्स ली है थी? ना, हाँ स्नो फाइट भी की। अभी तक हाँ मेरे पास वो सारी पिक्स मौजूद है। मौजूद ही है। खैर, जी क्या ही कर सकते हैं, ये सब मामला अल्लाह ताला के हद इख्तियार में। हम तो यही उम्मीद करते हैं जी कि स्नोलेस विंटर ना देखें हम। चलो ठीक है, बाला इलाकों में हमने बर्फबारी देखी, हम यही उम्मीद करते हैं कि जो मैदानी इलाके हैं यहाँ भी हम एटलीस्ट बर्फ तो देखें, हम खुश हो जाते हैं। बिल्कुल बिलखसूस सही। जो बच्चे हैं घरों के अंदर है, मन चाहता वहां तो छुट्टी तम पश्चिम सोचा कि शीन पे अस बनाओ स्नोमैन तत्सित करो शिन जंग, मगर टिके सब वो ऐसे वनुक तम कहें। नाजरन मोहतरम, नए दिन की नई शुरुआत, तो ये शुरुआत करने ब्रोह थो बुजुर्गन हज त्रे कथ याद, त्रे नसीहत याद। गोडनिच नसीहत तम कान नबरकन कर्चा तड़ीमी हावान, मगर अस हमो आजिजी, अस हमो इनकी सारी कम तो तमकु करो अस मुजाहरे त। दम कालात कि हमो हमेशा सब्रस कम, तिक सब्रुक फल जन आसान सह हमेशा आसान मोदुर। त्रम कं बुजुर्ग फरमान गरे नेरने ब्रोह ग पन्न जिठन पन्न वालदेन इजाजत मंगन, तम हमेशा अस रोजान दुआ करान तो सू दुआ अस पत पत आसान सत आसान। और इसी बात से मुझे हुमैरा जी वो अजीम शायर मुनव्वर राना का, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ, आपने वो सुना होगा जरूर, उनका एक खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है जी प्लीज। कि अभी अभी मेरी माँ जिंदा है मुझे कुछ नहीं होगा, अभी माँ मेरी जिंदा है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जब भी घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अपने बुजुर्गों की इताअत करें, अपने जो वालिदैन हैं उनकी इज्जत करें। और इस जी तरह की जो बातें हम सुबह सुबह नाजरीन मोहतरम आपके जहनों तक, आपके दिलों तक पहुँचाते हैं, मुद्दा व मकसद यही होता है कि हम सब इस पर अमल अमल पैरा हो, पैरा। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए। जी जी हमारा बिल्कुल सही आप कह रही है, हमें हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए और यकीनन माँ बाप का ख्याल रखना रखना चाहिए। चाहिए, जब मैं बिल्कुल। सुबह आ रही थी ना, मैंने एक कोट पढ़ा, मैं चाहती हूँ कि मैं हाँ, नाजरीन के साथ वाई वो नॉट, शेयर करूँ। मेरे साथ भी। जी वाई नॉट। नाजरीन कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने सच हो जाए, उसके लिए आपको सुबह जल्दी जागना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि मंजिल उन्हीं को हासिल होती है जो सुबह जल्दी उठते हैं नींद से। रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर लोग जिंदगी में वही कामयाब हो जाते हैं जो नींद से सुबह जल्दी जागा करते हैं। इसके अलावा सुबह उठने के और भी कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर पाता है। और कई सारे कामयाब लोगों से जब ये पूछा गया कि उनकी कामयाबी के पीछे क्या राज है, उनका यही कहना होता है कि हम सुबह जल्दी जागते हैं। अच्छा, चूंकि आजकल छुट्टियां चल रही हैं, है ना, वकेशंस ऑलमोस्ट ऑल सभी एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल। मैंने देखा कि कई सारे बच्चे सुबह लेट ही उठते हैं। इसके पीछे ये भी राज हो सकता है, सीक्रेट हो सकता है कि वो देर रात तक मोबाइल फोन्स के साथ, गैजेट के साथ बिजी बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल व्हाट यू बिल्कुल, से अबाउट इट? जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। जी जो माहरीन है नाजरीन मोहतरम, वक्तन फवक्तन वो यही कहते रहते हैं, उनकी यही हिदायत होती है कि आप मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, स्क्रीन टाइम को कम करें। बिल्कुल, जो बच्चे आप देखते हैं उनकी आंखों पे इसका बहुत बुरा असर असर पड़ता है। सिर्फ पड़ते हैं। आंखों पर ही नहीं, जहन पे भी कई बुरे असरार इसके मुरतब होते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप भी स्क्रीन टाइम को कम करें, और साथ में जो बच्चा है
اننیسسری اچھنا اکثر وچمت کہ اگر نا بچہ نا ٹھوپ کران کہین موج تلان فون تو دیوان امس اتس کے تمام کر ٹھوپ جو کہ صحیح پریکٹس نہیں ہے جو کہ بالکل غلط پریکٹس ہے جی اور اس کے علاوہ میری بھی یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے جب بھی میں صبح دیر تک سوتی ہوں نا میں دن بھر فوکس ہی نہیں کر پاتی ہوں اپنے کام پہ میرے کام اچھے سے ہو ہی نہیں پاتے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری صبح پہ ڈیپینڈ کرتا ہے صبح ہماری یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمارا دن کیسا گزرے گا جب ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں نا تو ہم اچھے سے پلان کر پاتے ہیں دن کا کیسے ہمیں یو نو مینیج کرنا ہے سارا کچھ کام کیسے کرنا ہے بالکل تو سین بزرگ تھے اس میں تھی ونان کہ سلی وتنس چھ برکت ییلہ انسان سلی وتھان چھ پتہ سہ کن تہ مذہبس ستۍ ٲستن تعلق تھاوان پنن پنن یم زن صبحے عبادت وتھان چھ صبحے وتھی عبادت کران تمہ پتہ چھ سہ پلان کران تم چھ آسان ذہنس منز تھومت یہ خیال کہ مے کیا چھ آز دوہس کرن تمہ پتہ ییلہ سہ بسم اللہ کرتھ تمہ کامہ شروعات چھ کران تتھ چھ یقینن برکت آسان تہ شامس یتھے سہ گھر چھ نا یوان چھ آسان واریاہ خوش تمہ چھ آسان پتہ کہ یہ مے دماغس منز صبحے اوس تھومت پتہ دراوس بہ گھر یم کامہ کرنہ خاطر ات منز ہیکہ مے کیہ کامہ اصل پٲٹھۍ خیر ناظرین محترم ہمیرا کی جو بات سے میں سمجھ پائی ہوں جی وہ یہی تھا کہ موبائل فون کا کم استعمال کریں اور صبح جلدی جاگا کریں ہم آگے بڑھتے ہوئے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ تک خوبصورت سی سوغات بھی پہنچاتے ہیں آپ جانتے ہیں موسیقی کی صورت میں اس کا بھی اہتمام رکھا ہے آج ہم نے ایک خوبصورت آواز کا انتخاب کیا ہے منیر احمد میر صاحب کا آئیے ان کی آواز میں ان کی خوش لہن آواز میں یہ خوبصورت سا کلام سنتے ہیں रोजनी कुश आओ संसार से रसई न्यूनम करा रोजनी कुश आओ संसार से रसई न्यूनम करा खशियल कोर नहीं इस्माइल सही साउल गो इजहार हो खशियल कोर नहीं इस्माइल सही साउल गो इजहार नर जंग गंज नई राजजाद सई रसयूनम करा नर जंग गंज नई राजजाद सई रसयूनम करा रोजन कुसरा संसार सई रसन्यूनं करा पुगत कै पथ शम हस छारा परवर दिगा हो पुगत कै पथ शम हस छारा परवर दिगा दीदार जुतनस पेठ अर्श सई
رسمی نونم قرار دیدار دیتنس پٹ عرش سے رسمی نونم قرار روزن کس آو سمسار سے رسمی نونم قرار देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के, और आपने अभी बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सुना और देखा। उम्मीद करते हैं कि आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। खैर नाज़रीन, कहते हैं जिन घरों में अल्लाह ताला का जिक्र होता है वहाँ मोहब्बत, सुकून और बरकत नज़र आती है। आपको ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम को और साथ ही साथ हमारे जितने भी एपिसोड्स हैं अभी तक के यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब और YouTube चैनल दैट इज़ DD कशर। आज के मेहमान से आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे एक वक्फे के बाद, बने रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ। हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर OPC सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। OPC ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान।
किसी वक्त भी कहीं भी सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वरदान IVF सेंटर बेऔलाद जोड़ों के लिए खसूसी रियायती कैंप 15 और 16 फरवरी को मगर मलबाग श्रीनगर में मुनक्कद कर रहे हैं, जिसमें वरदान IVF सेंटर्स अमृतसर और जालंधर के डॉक्टर साहिबान IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर वरीश की निगरानी में बेऔलाद जोड़ों का इलाज करेंगे। डॉक्टर वरीश की काबिलियत से आज तक मुल्क, बीरून मुल्क और वादी में हजारों बेऔलाद जोड़ों को औलाद की खुशी नसीब हुई है। इस कैंप की रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से 15 फरवरी 2024 तक होगी। पहले रजिस्ट्रेशन करने वाले अशखास को खसूसी रियायत दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए राब्ता करें वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर, सेल नंबर 6005944300। گٹہ مزن یی زن گاش اس روزن پگہ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑھو واش سیمٹیک سیمنز رشتن ہز مضبوط عمارت۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام ناظرین کا استقبال۔ خوبصورت سا نغمہ سننے کے بعد بریک کے بعد اب آپ کو انتظار رہتا ہے کہ پروگرام میں کون مہمان تشریف فرما ہیں، جن سے ہم آج کے اس خصوصی شمارے میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں۔ وہ اس وقت بنفس و نفیس سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ ان کے بارے میں بس دو باتیں، وہ جو کرنا چاہتے تھے نہیں کیا، اب جو کیا بہت اچھا کیا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی سوچی تو انجینئرنگ کا انتخاب کیا، بننا چاہتے تھے آرکیٹیکٹ لیکن سول انجینئرنگ انہوں نے کی۔ خیر، جس ادارے کے ساتھ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اسی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد اس نے اسی ادارے میں درس و تدریس کے عمل میں بھی حصہ لیا، وہاں پڑھاتے رہے۔ آپ اس ادارے کا نام جانتے ہیں، آج NIT کہتے ہیں، تب REC کہا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ناظرین محترم بحیثیت اسسٹنٹ انجینئر R&B ڈپارٹمنٹ، جسے آپ سب پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہاں تعینات ہوئے 4 دہائیوں تک، یعنی 40 ایئرز تک تنگ دہی محنت کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اور حال ہی میں پچھلے سال اکتوبر کے ماہ میں وہ بحیثیت چیف انجینئر ریٹائر ہوئے۔ ہم بات کر رہے ہیں رفیق احمد رفیق صاحب کی، اس وقت سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آج کے اس خصوصی شمارے میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے پھر موقع دیا ناظرین کے سامنے آنے کا۔ اور اپنی جو، لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو آپ نے وہ منور رانا جی کا شعر پڑھا، تو میں اس کا آئی ایم جسٹ ایکسپیرینسنگ اٹ بیکاز آئی لاسٹ مائی مدر جسٹ آن 17th of January۔ سو جو آپ کہہ رہے تھے نا، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ آج پہلی بار آئی فیلٹ لائک یو نو، جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو مجھے لگا کہ نہیں، سم تھنگ از مسنگ۔ جو آپ نے، دس از دا پریکٹیکل، جو آپ نے، آئی ڈونٹ نو ویدر واز اے کوئنسیڈنس تھا کیا تھا، بٹ تھنگس ہیپن فار ریزن۔ تو جو آپ نے وہ آج وہی شعر پڑھا منور رانا جی کا، اٹ ہیز ریئلی ٹچڈ می، اینڈ آئی واز فیلنگ دیٹ جو ویکیوم، جو آپ نے جس کا ذکر اس منور رانا جی نے شعر میں کیا ہے، آئی ہیو اس کی لاسٹ مائی مدر آفٹر شی واز اور سنگل پیرنٹ فار لاسٹ 37 ایئرس، نو مائی فادر ہیڈ ایکسپائرڈ لانگ بیک ان 37 ایئرز بیک وین آئی واز ناٹ ایون امپلائڈ۔ تو اس لیے میں
ये एक बात कहना चाहता था, शेयर करना चाहता था कि whether it was a coincidence or it happened for a reason. अल्लाह ताला तमाम माओं को बस तो सलामत रखे और जिनकी माएँ जिंदा नहीं है उन्हें करी के रहमत करें, आमीन या रब्बल. क्योंकि वो जो दुआ हम एक बच्चे के लिए करते हैं सुन आसान ताचन से ड्यूरेशन तेजी के शेज़ा है मेरे के बहुत लेकिन एक कमी महसूस होती है. व्हेन आई लीव होम नाउ दीज डेज आई फील यू नो समथिंग इज मिसिंग, आई एम मिसिंग वन पर्टिकुलर थिंग. आई यूज्ड टू आस्क हर निकलने से पहले मैं उनसे पूछता था लेकिन आज मुझे लगा कि आई वाज जस्ट फीलिंग बैड. हम समझ सकते हैं और यूजन बच आसान जो एम शासन माँ से दिली वापस्तगी और सब कुछ ये शेयर करता है अपनी माँ के साथ. कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो, एक माँ अकेली वाहिद ऐसी शख्सियत होती है जो एक बच्चे के हमेशा साथ रहती है. खैर ये एक इमोशनल मोमेंट था हम सभी के लिए. हम आगाज करते हैं चूँकि मैंने आप जब इंट्रोडक्शन दिया उसमें मैंने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ज़्यादा जिक्र किया, पर्सनल लाइफ के बारे में कम मालूमात है नाज़रीन को. चूँकि इससे कबल भी आप आ चुके हैं प्रोग्राम में लेकिन हमारी ये खुशबख्ती है कि हमारे साथ नाज़रीन जुड़ते रहते हैं उनकी मालूमात के लिए अपनी पर्सनल लाइफ. बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है बहुत मॉडेस्ट घराने से है जी. तो मेरे फादर जो थे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे एंड ही वॉज अमंग द फर्स्ट यू नो हु हैज बेसिकली सीन कॉलेज इन योर हिज फैमिली. तो उसके बाद बिकॉज उनका यहाँ तबादला हो बेसिकली उनकी जॉब ही यहाँ लग गई थी तो आई वॉज बॉर्न हेयर इन श्रीनगर. तो फिर वो छोटा पहले जब छोटे थे हम एक मदरसे में पहले उनने मुझे एडमिशन करा दिया. तो मेरे फादर साहब के एक दोस्त थे यंग वाइब्रेंट फ्रेंड. आई रियली मैं आज उनको बड़ा सैल्यूट करता हूँ बिकॉज उनका विजन बहुत था. तो वो मुझे मेरे लिए फीस भरने के लिए आए थे. देन ही सा मी ऑन वो टाट फोटी थी ना उस टाइम बिहत. तो ही सेड नहीं इसको तो ही टुक नो इतना मोहब्बत प्यार था कि विदाउट आस्क माय फादर ही टुक मी अवे फ्रॉम द स्कूल और ही गॉट मी एडमिटेड इन नेशनल हाई स्कूल. सो नेशनल स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया एंड वहाँ एंड उसका एक ही ऑलवेज वांटेड लाइफ इन अ डिफरेंट वे. वो बीटन पाथ से हट के वो हमेशा करते थे. वो हयात है अभी. आई जस्ट सल्यूट हिम. तो उनने क्या किया मेरा नाम रफीक अहमद रफीक रख दिया. अच्छा. बहुत छोटा था बिकॉज इस नाम पे मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप शायर हो. मैंने कहा शायर तो हूँ नहीं लेकिन नाम रख दिया था मेरे एक बहुत अजीज ने. मैं उनको चाचा नाम से पुकारता हूँ. तो मेरा नाम रफीक अहमद रख दिया बिकॉज ही वॉज एब्सोल्युटली ही वॉज अ वाइब्रेंट पर्सन बिकॉज ही ऑलवेज सॉ थिंग्स इन अ डिफरेंट वे बीटन पाथ से हट के. तो फिर वहाँ से शुरुआत हुई. तो वहाँ एज अ मीडियोकर स्टूडेंट चलता रहा. मतलब देयर वाज नो नथिंग वेरी वाइब्रेंट अबाउट मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. व्हेन इन सिक्स्थ क्लास आई ऑलवेज रिमेंबर अ टीचर नीलकंठ रैना जी थे जिन्होंने मेरा बिल्कुल ये आउटलुक चेंज कर दिया. आई वाज मतलब आई जस्ट मास्टर्ड मैथमेटिक्स इन फ्रॉम सिक्स्थ क्लास. आई यूज्ड टू टीच पीपल इन माय घर में भी पढ़ाता था. मेरी मदर शी वाज एक्चुअली इन उर्दू और फिर आर्ट वार्ट करती थी. उनकी स्कूल में डर्थ होती थी टीचर्स की बट शी वुड ऑलवेज वॉलंटियर. शी वॉज अ वेरी यू नो बहुत एक्टिव लेडी थी. तो उन्होंने फिर उन्हें वॉलंटियर किया मैथ पढ़ाऊंगी. सो शी वॉज टेकिंग यू नो गाइडेंस फ्रॉम मी. दैट वॉज द लेवल दैट टीचर हैड बेसिकली इनकल्केटेड इन मी. मेरे में मैथमेटिक्स का वो शूर उसने पैदा किया. उसके बाद आगे चलते हुए फिर हम उर्दू मीडियम में पढ़े थे. फिर एकदम से नाइन्थ में हमारा इंग्लिश मीडियम शिफ्ट हो गया था. आपने शायद ये एक्सपीरियंस नहीं किया होगा. इट वाज अ वेरी यू नो फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट व्हेन आप इमीडिएटली आपके उर्दू मीडियम से आप शिफ्ट करते हो इंग्लिश मीडियम. तो वहाँ मेरे बाय टीचर्स वायर देयर वो जे एन पटवारी जी थे स्वर्गवास हो गए सब. ही वॉज सो एनकरेजिंग एंड आई हैड माई प्रिंसिपल देयर जे एन कचरू जी. एंड मोस्ट विच आई बेसिकली रियली वॉन्ट टू नो सैल्यूट एंड पे ग्रेटिट्यूड धर साहब थे महाराज कृष्ण धर जी. बहुत खामोश तबियत के जेंटल थे. ही देन हैपन टू बी प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल ऑल्सो. रिसेंटली उनका देहांत भी हो गया. तो उन्होंने मुझे एक बार पिक करके किसी टीचर के हवाले कर दिया. आई वॉज नॉट नोइंग वट इज हैपनिंग. तो ही टुक मी टू रेडियो कश्मीर से. तो पहला जो इंट्रोवर्ट पर्सन था मैं. आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट. तो मेरा पहला एक्सपोजर विद रेडियो कश्मीर था. इट वाज 1976. तो आई पार्टिसिपेट इन सम प्रोग्राम्स. तो विद दैट यू नो द जर्नी स्टार्टेड. इट वाज अ रियली नॉट लुकिंग बैक.
तो फिर मैट्रिकुलेशन करके, उन दिनों पेपर में रिजल्ट आता था तो ठीक ठाक मार्क्स आए थे। देन जैसे जैसे आज का दौर है, जैसे आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना दौर है, एवरीथिंग इज ऑन योर पाम टॉप। पहले तो बहुत टाइम लगता था, जैसे आपने अभी कहा कि मुझे ऐसा कोई इंक्लिनेशन नहीं था, बट आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन ड्राइंग्स, यू नो, और स्पेस प्लान करने में, आई डोंट नो, समथिंग वाज देयर इनसाइड। तो आर्किटेक्चर का वर्ड थोड़ा था जहन में, बट इट वाज नॉट दैट सॉलिडिफाइड नहीं था। तो उस टाइम वेस्टफेरिया कॉलेज नागपुर का हुआ करता, उनका फॉर्म मंगवा दिया, फिर भर दिया, बट द डिले वॉज, यू नो, डिले होते थे, पोस्टल में आता था सब कुछ। इतना आज तो आप, यू कैन नॉट, आज क्लिक करो आपके वहाँ कॉलेज में आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो दीज थिंग्स, यू नो, हमारे टाइम पे थी, ये प्रॉब्लम्स भी थी लेकिन कुछ बेनिफिट्स भी थे। आज के दौर में ये नहीं कहूँगी कि पीपल, यहाँ आज के बच्चे जिनको आज ये फैसिलिटी है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन की फैसिलिटी है, बट दे हैव देयर ओन चैलेंजेस। नो, वी कैन नॉट, वी शुड नेवर कंपेयर द, जैसे आप आज, कल मैंने दो बुजुर्ग लोगों को बात करते हो सुना कि नहीं नहीं आज इवन सोए की इंजन है, की इंजन चला, साइन वक्त तो चला, इट्स नॉट लाइक दैट। एवरी पीरियड हैज ओन, यू नो, प्रोज एंड कॉन्स। तो फिर नहीं हो पाया, फॉर्म गया था वहां से, पता नहीं आया, इन द मीन टाइम मेरा यहाँ एडमिशन हो गया था इंजीनियरिंग कॉलेज में। सो आई एंटर्ड, वेरी, आई डिडंट नो व्हाट आर दिस ब्रांचेस ऑल, बट ग्रेजुअली, यू नो, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का ड्राइंग होता है, आई हैड अ वेरी, आई हैड थोड़ा इमेजिनेटिव, मुझे लगा कि मैं ड्राइंग में, आप, यू हैव टू इमेजिन थिंग्स, नो, दैट्स वेरी, तो आई थिंक दैट वाज देयर, वो स्पार्क थी उधर, बिकॉज आई एंजॉयड दोज, यू नो, ड्राइंग सब्जेक्ट्स एंड ऑल दैट, एंड देन आर्किटेक्चर रिलेटेड जो भी थी वो पढ़ते, बट अदरवाइज इनिशियली पता नहीं था इससे होती क्या है, बट देन आई रियली put it, have put in my, no, I'll tell you one, my personal experience ये थी कि आजकल बच्चों को हो सकता है, no, आज भी अच्छे, माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, लेकिन मेरी माँ मुझे कहती थी आप सो जाओ दो ढाई बजे, में छः सिक्स क्लास में मैं था, ढाई बजे मुझे कहती थी सो जाओ आप, हो गया बहुत काम। नो नो, दिस इज उल्टा ना नॉर्मली आप कहते हो, तो दैट इज वट आई रिमेम्बर अबाउट माई मदर एंड माई चाइल्ड हुड। तो दैट हैज पेड, दैट हार्ड वर्क, जैसे अभी हुमैरा जी ने कहा कि अर्ली राइजर्स, 5 o'clock राइजर्स, आई हैव बीन द लीडर्स ऑफ द, यू नो, यूनिवर्स। तो इसलिए आई हैव रियली एक्सपीरियंस्ड इट, यू नो, वेकिंग अप अर्ली मेक्स, बिकॉज मैं बहुत देर तक काम करता था, मैं सुबह देर से उठता था, बट ऑल ऑफ अ सडन आई शिफ्टेड इट, आई स्लीप वेन एवर आई फील लाइक स्लीपिंग। तो बट वेन यू वेक अप अर्ली मॉर्निंग का एक घंटा आपको पूरे 3-4 घंटों के बराबर मिलता है, बिकॉज यू हैव अ फ्रेश माइंड। तो ये चीज मैंने एक्सपीरियंस भी की है, एंड आई हैव अप्लाइड इन माय प्रोफेशन, इन माय स्टडीज, राइट, दैट इज हाउ आई ग्रेजुएटेड एंड आई केम आउट। दैट आई, मुझे लगा क्या करना है, तो तब भी नहीं पता था कि क्या नहीं करना, इन द सेंस कि जॉब, नो, एक ये एक स्ट्रगल है ना, जैसे आपने ग्रेजुएट किया, यू कैन नॉट ऑलवेज हैंड होल्ड योर फादर, यू नो, यू कैन नॉट हैंड होल्ड, समडे यू हैव टू बी, जैसे परिंदे अपने बच्चों को दे उड़ना सिखा के फिर छोड़ देते हैं, दैट हैज हैपेंड विद मी। आई टोल्ड माई फादर दैट कि मैंने ग्रेजुएशन की है, अब मेरे लिए जॉब ढूंढो, बट ही वॉज वेरी, यू नो, स्ट्रिक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ऑल्दो ही वॉज अ सो फ्रेंडली पर्सन फॉर मी। ने कहा कि मैंने आपको पढ़ाया था, बाकी आपको खुद करना है। देन आई लेफ्ट फॉर दिल्ली, दिल्ली जाके फिर मैंने एक दो जॉब छोटे किए, बट विद इन दैट पीरियड ऑफ 9 months आई गॉट एन अगेन एडमिशन इन वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, न्यू दिल्ली, इट वाज़ बी वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एशिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसे ही खेलते खेलते एडमिशन हो गया, देयर वाज़ नो स्ट्रेस। दैट वहां मैंने एक चीज सीखा, जब हम स्ट्रेस में कोई चीज प्रिपेयर करते हैं, नथिंग हैपन्स, इट वाज़ जस्ट नो हिट एंड ट्राई, यार कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। आई गॉट एडमिटेड एंड आफ्टर एंटरिंग दैट इंस्टीट्यूट, देन आई केम टू नो इट इज वन ऑफ द वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट, अदरवाइज आई वाज नॉट नोइंग। मे बी अगर मुझे पता चलता इसमें यहाँ एडमिशन बहुत मुश्किल है, हो सकता है मेरा हो ही नहीं जाता। द वे आई डिड इट, सो रिलैक्स्ड मैन, आई डिडंट प्रिपेयर, आई वेंट, आई वाज सो फ्री। तो वहाँ प्रोजेक्शन करके, उसी प्रोजेक्शन द्वारा मैं, माय फादर पास्ड, आई वाज डिवास्टेटिंग लॉस ऑफ माय फादर व्हेन ही वाज ओनली 48, आई वाज 23। सो दैट आल्सो टॉट यू अ लेसन, यू नो, आप, यू बिकम अ रेजिलिएंट,
आपको खुद मार्केट में जाना है और फिर वो मामलात ना वो टफ होने बिल्कुल आपको यू हैव टू हैंडल नाउ यू नो हैव टू हैंडल जैसे बेबी माँ का जिक्र हुआ उस टाइम बाप का जिक्र हुआ नाउ यू आर द हेड यू नो यू हैव टू बेसिकली ऑल्दो आई हैव एल्डर ब्रदर बट आपको फिर भी आपको मामलात अब खुद करने हैं जिम्मेदारी ज्यादा हाँ तो आप रेजिलिएंट बनते हो आप हम मेरे ख्याल से इस हवाले से मजीद आगे बात करेंगे इस सफर जो चल रहा है आगे इसी तरह से जारी रखेंगे हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे नाज़रीन मोहतरम हम कमर्शियल वक्फा ले लेते हैं और जल्द हाजिर होंगे गटि मजन यी जुन गाश ऐसी रूजिन पगहच आश ऐसी रिश्तन बरहव गोड ऐसी पखन कढ़व वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत सर आपका केवाईसी अपडेट करना है नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा होशियार ढाई करोड़ का इनाम मुझे देखिए अनजाने कॉल्स फर्जी ईमेल्स लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन ओटीपी पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर आरबीआई कहता है जानकार बने चौकन्ने रहें तमाम किस्म के हाई डेंसिटी मेवा दरख्त मुनासिब दामों पर हासिल करने के लिए हुकूमत के इश्तराक से कायम वादी की सबसे बड़ी मॉडल नर्सरी से राबता करें हाईटेक एग्रो चंडी लोरा टंगमर अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ गलत कैसे हो सकता हूँ हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट घर हो या डैम बिल्डिंग या दुकान सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के में और आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं जनाब रफीक अहमद रफीक साहब हु इज एक्स चीफ इंजीनियर R&B डिपार्टमेंट सर चूंकि आपने एज आप रिटायर्ड एक्स चीफ इंजीनियर रह चुके हैं R&B डिपार्टमेंट में उससे पहले भी आपने कई सारे डिपार्टमेंट्स में काम किया हुआ है हम जानना चाहेंगे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट जर्नी इट वॉज अ ग्रेट जर्नी आई हैव इसके लिए मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सर्व किया है जी. और हर एक डिपार्टमेंट के चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट थे और एक आई एम कैरिंग ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जिसे आप जैसे मैं उनमें ज़्यादा जिक्र में ऐसे करूँगा आई वॉज बेसिकली जो भी असिस्टेंट इंजीनियर जो हॉस्पिटल में रहा हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या वट आर द इंटरकेसीज इसी तरह फिर हम जब एज AEE आई हैव यू नो डिस्ट्रिक्शन मैं डक्सुम में था तो वहाँ मर्गनटॉप रोड बनाने के लिए आई वॉज ऑल अलोन एंड हालात भी इतने साजगार नहीं थे बट आई हैव सेटिस्फेक्शन कि मैं हमने एक ट्रक खुद वहाँ ऊपर ली फर्स्ट टाइम वहाँ गोडू पे जाता था इसके बाद एक मेरा मुझे मौका मिला व्हेन आई वाज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी अगेन टूरिज्म सेक्टर में ठीक है इसके बाद देन आई वाज इन नो PMGSY जहाँ रूरल रोड कनेक्टिविटी का बात थी एवरी एक्सपीरियंस एवरी डिपार्टमेंट उसका एक अलग से है डाइवर्स एक्सपीरियंस है उसके बाद स्पोर्ट्स में है स्पोर्ट्स की एक बिल्कुल अलग सी खासियत होती है एवरी ट्रैक एवरी फील्ड हैज इट्स ओन डिस्टिंक्शन डिजाइन exactly. कैसे करना है स्पोर्ट पर्सन के लिए क्या क्या देखना है इस तरह उसके बाद हमारा हॉर्टिकल्चर जो एग्रो बेस्ड होती है उसमें कितनी क्या क्या बिकॉज एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना इट्स एन ऑर्गेनिज्म जैसे बॉडी होती है उसमें सेल्स होते हैं फिर ऑर्गन होते हैं फिर सिस्टम होता है इसी तरह एवरी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे हॉस्पिटल बनाएंगे उसमें आपकी एक सिस्टम होता है एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है OPD होता है IPD होता है स्पोर्ट्स में नो चेंज रूम्स देन यू नो गोइंग टू द फील्ड देन कमिंग बैक एंड सीइंग कोई मतलब इंजुरी ना हो एवरी डिपार्टमेंट हैज गिवन मी लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस टू कैरी अगर पिछले साल की बात करें जाहिर आपने कई सारे टारगेट्स सेट किए हुए थे जो कि पूरे हुए क्या क्या अचीवमेंट्स थी प्लीज गिव अस अ रिव्यू अबाउट अचीवमेंट जो थी बेसिकली वी हैव डन जो हमारी जो भी हमारी बिकॉज आई लेफ्ट इन अक्टूबर तो उसमें हाफ ऑफ हुआ था तो बट जो भी हमारे टारगेट थे वो हैड एक्चुअली कवर्ड 60-70% अप टू दैट पॉइंट ऑफ टाइम उससे जो प्रीवियस ईयर है वी हैव अ वेरी एक्सट मतलब एग्जाम्पलरी हमने जैसे PMGSY चीफ इंजीनियर रहा मैं वी हैव डन
we were basically third in the country. Mm-hmm. Third in the country, all of being a very small union territory. तो इसी तरह हमने R&B में जो भी था, जो भी हमारे टारगेट्स, जो ब्लैक टॉपिंग थी, वी हैड. और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो G20 का था वो मेरे टाइम पे हुआ था. हमारा वाइल्ड ब्रिज जो था, जो दो साल के अरसे में बना, और अभी इट इज ऑलमोस्ट ए टूरिस्ट अट्रैक्शन, पीपल गो एंड जस्ट. तो दीज थिंग्स आर बेसिकली आई कैरी, जो इतना जो मेरा जो ये डिपार्टमेंट का सफर रहा, स्पोर्ट्स, हॉर्टिकल्चर, JK बैंक एंड देन ग्रेट लैंडमार्क्स. अच्छा, चूंकि यम सात अख इंसान चुना आसान बिहित क्लास रूमस मंज एम छ पारनावा का सबक, सो थ्योरेटिकल नॉलेज अख अलग चीज, पत यम सात जमीनी सतहस पेट नेबर छु नेरा एम छ पेवा प्रैक्टिकली तिम चीज अमलावे. बाजी छु वना पने जा ये ने मे उस नु पुरमुत ये क्या बुवे शायद नोवे साहब का ये क्या डिफरेंस जब आपने खुद इस चीज को महसूस किया, इसमें एक्सपीरियंस करमुत, इसमें एक्सपीरियंस करमुत बो दिल गोस तज गोस बिक जाय मतलब बड़ा विद दैट आई हैड दैट थ्योरेटिकल नॉलेज एट द बैक. आई मेट वन चीफ इंजीनियर, उसको मेरा इंटरव्यू किया, तो ऐसे ही मैं किसी कंपनी के एम्प्लॉय में तू सवाल आ, तो एम्प्लॉय में तू सवाल आ कि आई वॉज ब्लफ, मुझे मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं आई कुडंट इवन अटर अ वर्ड. तो दैट बेसिकली मूड मी यार, मुझे मैंने इतना पढ़ा है, इतने मैंने 75% मार्क्स लाए, तो देन आई लेफ्ट. तो दैट हैज बेसिकली वो मेरे दिमाग पे इम्प्रेस. जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज आया, आई टॉट वन सब्जेक्ट, बिल्डिंग मटीरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ऑल्दो आई वॉज टीचिंग ड्राइंग. ड्राइंग्स तो मैंने सब कुछ पढ़ाया, बहुत लोगों को पढ़ाया, आई थिंक पीपल मस्ट बी रिमेम्बरिंग, बट स्पेशली अबाउट दिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल्स. आई टॉट पीपल वेरी अनकन्वेंशनली, मैंने उनको बिल्डिंग स्टार्ट से, जब मैंने यू हैव अ बैरन साइट, वहां जाके क्या करना है, आई वॉज जस्ट मेकिंग देम टू फील दैट यू नो यू आर गोइंग टू फील. अब ये है वहां सिचुएशन, आवर पीपल डोंट नो हाउ टू ले आउट. जैसे आप ड्राइंग अपने आपके कागज पर ड्राइंग बनी है, ये तो कागज पे बनी है ना, A4 या A6 A3 में, ये आपको फिर फील्ड एक बड़े प्लॉट पे डालनी है ना. अच्छा. वहां भी ये ड्रा ही करनी होती है जी. लेकिन वहां कैसे ड्रा करनी है, आप चूने से करनी है, रस्सी से करनी है, थर्डोलाइट से करनी है, दैट ड्राइंग एंड नाउ कन्वर्टिंग दैट आइडिया ऑन द ग्राउंड इज व्हाट इज लैकिंग इन आवर पीपल. तो वो गैप फिल करने के लिए आई ट्राइड माई बेस्ट, आई ट्राइड टू मेक दम फील व्हाट आर द स्टेप्स वहां आपको क्या, क्योंकि आई हैव लर्न, मैंने मैसनों से भी सीखा है, मैंने कारपेंटरों से भी सीखा है. अच्छा. बट अब सीखने में क्या फर्क है, सिंस योर नॉलेज, आपके पास टेक्नोलॉजी, आपके पास नॉलेज है, विद अ वेरी लिटिल इनपुट फ्रॉम देम यू कैन एनहांस देयर स्किल, आप उनको फिर हेल्प कर सकते हो. दैट आई हैव डन, दैट आई कैन, मतलब मुझे एक सेटिस्फेक्शन है. फिर जिन मैसनों को मैंने इनडायरेक्टली, दे हैव बीन माई टीचर्स, they treated me as their teacher at one point of time. तो ये मेरा passion, basically this passion I used to basically carry on. जो यही मैंने students को वहाँ inculcate करने की कोशिश की कि you have as if you are the field. You cannot be only theoretical. और field में एक चीज़ है, every field site will give you a different challenge. But theory में तो आपको एक ही chapter है, this cannot apply everywhere. तो इसको आप use करके you have to handle the situations. Yes. You will not have the same textbook situation everywhere. No, no. So, ye cheez maine, I have tried in my, you know, when I was a teacher. Then when I went even into the field, aaj ki date mein, because I'm a chief engineer, I used to go to the sites, talk to my junior engineers, talk to my AEs, and tell them, ye aise karna tha, isko aise karna tha. I have a satisfaction of, you know, I'm carrying a satisfaction that I did impact some lives. Okay. Or, ये इस पे मैं आई एम कैरिंग. सर, R&B डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद आपने कई सारे काम किए, बहुत तब्दीली देखने को मिली, और खसूसी तौर पे अगर मैं श्रीनगर की बात करूं, आपने जो बहुत सारी जगहों पे कंक्रीट रोड्स वगैरह बनाए, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बात को. आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसे कंक्रीट रोड्स और कंक्रीट रोड्स के बारे में पहले भी बहुत डिस्कस किया मैंने, कंक्रीट रोड्स आर वेरी स्पेसिफिक एट स्पेसिफिक लोकेशंस, दे कैन नॉट बी अ जनरल रूल. मैं पिछली बार भी बहुत बार कहा हूं कि कंक्रीट रोड्स आर नॉट सॉल्यूशन टू एवरीथिंग, बिकॉज फ्लेक्सिबल पेमेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल. अब कंक्रीट रोड्स जहां जहां आपको इसमें यू विल गेट टायर्ड, यू नो, व्हेन यू वॉक ऑन कंक्रीट रोड्स, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स हैव देयर ओन एडवांटेज. अब जहां
दिस इज एज पर रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ आपकी, क्योंकि इनकी मैंने ये मैंने शायद दो तीन प्रोग्राम में ये मैं आज मैं फिर रिपीट करूँगा, इनमें जो वेयर एंड टेयर व्हीकल का होता है, टायर का जो घिसना होता है बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू योर फ्लेक्सिबल पेमेंट्स, उसमें ड्राइविंग कंफर्ट बहुत ज्यादा होता है। बट ये है कि जो हमने जो आरएनबी में जहां जहां भी एज पर स्पेसिफिकली जो भी नीड था, बिकॉज यू नो इट्स जस्ट लाइक एज अ प्रोफेशनल यू हैव टू ट्रीट द प्रॉब्लम एज पर इट्स नो नीड। अच्छा रफीक साहब, मैं ये तो नहीं कहूंगी एक्स चीफ इंजीनियर, बिकॉज इट सेड वंस एन इंजीनियर इज ऑलवेज ओनली ए पोजीशन। एक इनिंग जो आपने खेली और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद दूसरी इनिंग शुरू, बिल्कुल इसमें आपने सोचा कि नहीं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठना तो नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करना जरूर है, चेंज तो लानी है मुझे। बिल्कुल। तो आपने हिस्सा लिया इसमें जो बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, बिलखसूस जो हम छत लगाते हैं उसके ऊपर, वो बिल्कुल आपने मॉडिफाई किया, बिल्कुल चेंज किया। हाउ? बेसिकली जो मैंने बोला कि आई हैड पैशन फॉर इट, यू नो आई यूज्ड टू बेसिकली से पार्लर टू माई गवर्नमेंट, आई यूज्ड टू बी यू नो इन्वॉल्व इन दिस, तो हर बार लगता था यार कुछ चेंज होना चाहिए, बिकॉज वो शेड टाइप रूफ्स होते थे, वही एक दो टाइप के होते थे, शेड टाइप और वो चार बाम रेशन, दैट वाज व्हाट इनिशियली दैट हैड स्टार्टेड। तो ऑल ऑफ अ सडन एक बार समबडी केम टू मी एक फोटो लेके जो मैगजीन पे होते थे यूरोपियन टाइप के, तो यार मुझे ऐसा छत चाहिए, सो आई वर्कड ऑन इट, इट टुक मी 3 days, आई वर्कड ऑन इट एंड इट क्लिक्ड। तो एक कारपेंटर को लाया पहले, आई वॉज नॉट श्योर कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाया, बट ही एनकरेज मी, उसने मुझे मॉडल बना के लाया, दैट मीन्स टैलेंट वॉज देयर, तो वेंट नहीं मिल रहा था, तो इट बिगैन एंड इट वॉज देयर नो नथिंग, नो इट वॉज नॉट एंडिंग, नो एंडिंग टू इट। व्हाट हैपेंड, एक स्ट्रीटस्केप अगर आप जाओगे, आई हैव नो सेटिस्फेक्शन, आई हैव कंट्रीब्यूटेड इन चेंजिंग द स्ट्रीटस्केप, छत इज वेरी इंपॉर्टेंट, छत बहुत इंपॉर्टेंट है, छत आपकी जो इसका एस्थेटिक लुक है ना मकान का, वो आप नीचे से कुछ भी बनाओ, इट्स बेसिकली ताज है ना, तो इस उसको लेके आई हैव डन माय लॉट एंड आई हैव बेसिकली आज की डेट में वेयर एवर इट रिमेम्बर, जो मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे कारपेंटर, छोटा लड़का एक था आईटीआई से निकला हुआ था, तो ही वॉज टेलिंग मी एक छत पे था, कहता थी मुझे सर ने ये बोला, मैं कहा यार ऐसे करो, बिकॉज हैंड होल्डिंग करके ट्रेनिंग करना इट्स वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू टीच इन क्लासरूम। तो एक वो चीज है कि एक गुड बैटरी, ए बैटरी ऑफ कारपेंटर्स आर अवेलेबल इन श्रीनगर सिटी, जो वर्निकुलर जो आर्किटेक्चर जो पहले बिल्कुल लीड था, बेसिकली क्या होता था कुछ एरियाज में अच्छे अच्छे छत आपको मिलने से, जैसे समुंदर बाग है या यहाँ से यहाँ क्या कहते हैं गोगजी बाग एरिया में उस लीड टाइप के कुछ छत थे, बट आज की डेट में आप जहां भी जाओ द पर्सन मेक्स टू श्योर, बिकॉज इट इज बेसिकली एडिंग टू इट्स लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आप मकान खाली मकान नहीं होता, ये इमोशन होता है, व्हेन यू एंटर इट यू नो इट गिव्स यू द एनर्जी। तो इसमें मैंने आई हैव हैड अ रोल, ए गुड बैटरी ऑफ यंग कारपेंटर्स हैव बेसिकली इमर्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीइंग टॉट बाय मी। स्किल एनहांसमेंट बहुत ज्यादा है, आई एम वेरी श्योर। मैं परसों एक लड़का था, पता नहीं हिमाचल गया था छत बनाने के लिए, अच्छा okay. तो अच्छा इसी तरह दिल्ली से एक वो एक रिटायर्ड इंजीनियर थे, ही वंस कॉल्ड मी, ही वांटेड इट इन नोएडा, ही वांटेड अ कश्मीरी टाइप ऑफ छत, यू नो यहाँ टाइप का छत, तो कौन करेगा क्या करेगा, इवन यू नो आई रेफर टू सम पीपल दे विल डू इट देयर। सो ये जो स्किल है ये तो बात में तो छोटा लगता है, बट इट हैज बेसिकली गिवन, मैं एक कारपेंटर उसके पास 50 आदमी जाते हैं उसके साथ काम, इट गिव्स अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और दे हैव गुड वैल्यू उनका बहुत है, ये नहीं कि देयर स्पेसिफिकली यू हैव टू गेट हिम, तो इसलिए दैट वो चीज तो हो गई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्रिएटिविटी काफी जरूरी होती है इस सब के लिए। आपसे ये भी मजीद जानना चाहेंगे, चूंकि यहाँ पे आए दिन अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं, यहाँ पे हमें अपने घर किस तरह से बनाने चाहिए, क्या हमें किसी से पहले मशवरा लेना चाहिए कि कैसे कंस्ट्रक्शन की जाए, हाउ शुड वी प्लान? इसमें मैं आपको चीज बताऊँ, जैसे कि जो भी 2-story 3-story हाउस होते हैं इसमें आपकी डिपेंडेंस नॉर्मली मेसन के पास रहती है, वेरी सेल्डम यू नो, बिकॉज इंजीनियरिंग में दो पार्ट होते हैं, एक तो एस्थेटिक जो आर्किटेक्चरल जो प्लानिंग पार्ट होती है स्पेस प्लानिंग,
और उसके बाद स्ट्रक्चरल पार्ट्स की स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ में एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जरूरत होती है, बट अब चूंकि हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर दे हैव बीन डिजाइन फॉर वेरी फॉर्मल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग. लेकिन एक जो इनफॉर्मल सेक्टर है जिसमें आपको बहुत सारा कॉमन मासेस इन्वॉल्व होती है, छोटे से मकान बनाना, छोटा सा घर बनाना, एवरी टाइम यू कैन नॉट गो. तो उसमें हमने एक वो एक 2005 में जब 2005 का जो आया था भूंचाल, 2008 में एज पर ऑन एक वो प्रोग्राम चला था, वी बेसिकली ट्रेन्ड मेसन्स. बिकॉज ये छोटी छोटी एक्टिविटीज वही करेंगे ना, बिकॉज यू विल नॉट बी ऑलवेज गोइंग टू एन इंजीनियर. तो दे आर इंजीनियर्स फॉर यू, कॉमन मासेस के लिए. उसको हमने ट्रेन किया था फाउंडेशन में क्या प्रिकॉशन लेनी है, बॉन्डिंग कैसे करनी है, ब्रिक वर्क को कैसे करना, बिकॉज कन्वेंशनली हम ऐसा ब्रिक वर्क करते हैं वो दे बिकम वल्नरेबल जब अर्थक्वेक होता है, देन क्रैक्स डेवलप. तो इसलिए वो चीज भी दैट वाज आल्सो आई वाज अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनर ऑन. वी ट्रेन द मेसन्स रादर देन यू नो गोइंग वेरी हाई फाई, बिकॉज दे आर द पीपल ऑन द ग्राउंड जो आपको ये काम करेंगे. तो टू टू थ्री स्टोरी हाउसेज में आफ्टर यू बेसिकली गो ऑन हायर राइज, यू शुड बेसिकली फॉर्मली हैव अ स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग डन. इंजीनियर साहब, चूंकि जब हम अर्बन प्लानिंग के हवाले से बात करते हैं ना, तो इसमें एक बहुत बड़ा मामला रहता है, वो मैं आपको जरूर बोलूंगी क्या, लेकिन हम लेते हैं एक वक्फा पहले. नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर सा वक्फा ले लेते हैं, कमर्शियल वक्फा है और जल्द हाजिर होंगे. कश्मीर, एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से. खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके में. सर, आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं, चूंकि गवर्नमेंट ने काफी स्पेंड किया, काफी खर्चा किया यहाँ के रोड्स पे, ओवरऑल डेवलपमेंट पे, अब यहाँ के जो लोग हैं उन पर क्या जिम्मेदारियाँ आयद है टुवर्ड्स दी गवर्नमेंट असेट्स प्रॉपर्टी. अगेन 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 जो लास्ट टाइम भी मैं बोल रहा, वी हैव टू ओन दिम. जो भी बाहर कुछ बनता है, रोड बनता है, वो हम सबके लिए बनता है, उसको ओन करना है. यू हैव नॉट टू ट्रीट इट एज समथिंग गवर्नमेंट का है. तो जैसे इट बिलोंग्स, हाँ, तो उसमें क्या होता है जी, एक छोटा सा पत्थर रोड पे पड़ेगा ना, इट विल डैमेज इट, राइट. पानी जमा होता है, इट विल डैमेज इट. पानी मेरी वजह से नहीं होना चाहिए जमा. इफ इट इज बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट, द डिपार्टमेंट विल टेक केयर. बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन जो भी जिसको हम कहते हैं मिस यूज ऑफ द रोड, मिस यूज ऑफ एनी फुटपाथ, राइट. ये नहीं होना चाहिए. ये हमें जब हम इसको ओन करेंगे, हमारी जिम्मेवारी ये है कि इसको ओन करें. वंस यू ओन इट, जितना आप घर में हम ध्यान रखते हैं, अगर हम रोड का जो हमारे बाहर रोड है, बिकॉज व्हाट वी डू, टेंडेंसी रहती है आप अपने सहन का पानी रोड पे छोड़ देते हैं, वो चीजें अवॉइड करनी है हमें. इसी तरह हम गाड़ियां धोते हैं रोड्स पे, ठीक है, हम मटेरियल डंप करते हैं रोड्स पे, तो उसकी वजह से रोड डैमेज बहुत ज्यादा होता है. हमारे छतों का जो वही बेसिकली जो रोड साइड कंस्ट्रक्शन लोग करते हैं, हालांकि शुड नॉट बी डन, उसका जो छत का जो स्लोप है दैट इज टुवर्ड्स रोड, तो रोड को डैमेज करते हैं. तो वो चीज अब हम में आएंगे वंस वी ओन इट, तो हम, मुझे लगता है आवर 70% प्रॉब्लम इज डन, वी डन, यस, राइट. अच्छा, चूंकि इससे कबल ब्रेक पे जाने से कबल मेरे जहन में एक सवाल था, वो मैंने अपनी जगह महफूज रखा. वो सवाल ये था अर्बन प्लानिंग के हवाले से, चूंकि आप इसके साथ भी मुंसलिक रहे, R&B डिपार्टमेंट के साथ आप काम करते आए हैं, और चार दहाइयों का आपके पास माशाल्लाह एक्सपीरियंस मौजूद है. अच्छी बिल्डिंग्स बनावा सोचा आसान, ज्यादातर हॉरिजेंटली इस तरह से, वर्टिकली बहुत कम हम देखते हैं, जिसका मेरे ख्याल से यहाँ पर इंक्लूजन होना चाहिए इस वजह से इसकी जमीन अब सुकड़ती हुई नजर. बेसिकली इट इज ऑल डिमांड ड्रिवन. अब आज आप आज की डेट में मतलब यू विल हैव टू करेक्ट योरसेल्फ बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड, बिकॉज यू आर राइट, लैंड इज अ रिसोर्स जो आप क्रिएट नहीं कर पाते, ठीक है. तो इसमें हम एट लार्ज स्केल जब जाएंगे, हम कमर्शियल लेवल पे जाएंगे, तो वी आर नाउ गोइंग वर्टिकल, देयर इज नो इशू. पहले कुछ और बेसिकली जब बेसिकली इट इज ऑल अफोर्डेबिलिटी, इट इज हाउ इट्स अ बैलेंस, यू नो, डिमांड सप्लाई इकोनॉमी. उस टाइम आप यू कुड हैव यू वेयर बेसिकली दिस वॉज मोर अफोर्डेबल, गोइंग हॉरिजेंटल, पीपल वेंट हॉरिजेंटल. नाउ इट इज अफोर्डेबल टू गो वर्टिकल बिकॉज यूर लैंड इज स्कर्स, आपका लैंड कॉस्ट भी बढ़ गया. ये एक एस्पेक्ट है इसका, एंड वर्टिकल हो रहा है,
और आगे और होगा। अभी आपको फ्लैट तो यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अब गवर्नमेंट में भी फ्लैट है, प्राइवेट लेवल में भी फ्लैट है, पहले फ्लैटेड, अब यहाँ पहले वो देर एक्चुअली अब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनी है, दे हैव टू बेसिकली रेगुलेट दीज फ्लैट, बिकॉज इसमें बहुत सारी इश्यूज होती हैं जब आप फ्लैटेड अकोमोडेशन बनाते हैं, या उसमें बहुत सारे इश्यूज, बिकॉज वो जो स्ट्रक्चर है दैट बिलोंग्स टू सो मेनी पीपल, राइट, तो वो चीज थोड़ा मिसिंग था। अब पूरे मुल्क में वो उसकी अथॉरिटीज हर एक, बिकॉज एज पर द एक्ट वो हर एक ना स्टेट में वो यूटी में बन गया, यहाँ भी बन गया, अभी चेयरमैन नियुक्त हुआ है, तो एक वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट आपको मैं यहीं से बताऊंगा, छोटे ओल्ड शहर में आप छोटी छोटी जगह रह गई है, तो उनको कैसे प्रॉपरली प्लान किया जाए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस, राइट, तो बिकॉज लोगों के पास उतना ही जमीन है, एक मरला दो मरला, पहले तो वो दैट वॉज वो आप वेस्ट कर देते थे, अब छोटा सा ट्रायंगल है उसको भी मैनेज करना है, दीज आर ऑल्सो चैलेंजेस एंड दे आर बींग एड्रेस्ड। तो आई ऑल्सो एज अ पैशन मैं करता रहता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है जो उसने मतलब छोड़ दिया था, बोलते हैं मना कहा है ये प्लाट में है तो क्या ये लगी नहीं कोई नहीं होल उसी कोल, आई ट्राई टू डू इट, आई ट्राई टू डू इट एंड आई विल इंशाल्लाह वर्क ऑन इट सो दैट यू नो एवरी इंच इज properly optimized. Indeed. जैसे आपने कहा ना कि आर्किटेक्चर के साथ जो आपका पैशन लगा हुआ है, आप पैशनेट है इसके तई, हम यहाँ देखते हैं कि जन गारस मज त्रे बज या चोर बस वे मकान बनाव, मगर अच्छे वह कि पे अत मकान बनाव, यह स्पेस अगर यूज करो यूज कर पे बनाव बोर्ड मकान खुशन गाइड गाइड और इसमें वही यू हैव टू टेक लीड फ्रॉम अदर पीपल, अगर आप किसी ने देखा दो मरले में इतना अच्छा बनाया यार मैं मेरा क्यों नहीं हो सकता है, तो ये चीज बट मैं जो मैं फील्ड में देख रहा हूँ थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स आर चेंजिंग, और हमारा जो फ्यूचर है वेयर देयर इज अ ब्लेंड ऑफ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, मुझे इसलिए मुझे आर्किटेक्चर इन इटसेल्फ कैन नॉट सर्वाइव अनलेस इट हैज अ गुड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मुझे इसलिए लगा थोड़ा एडवांटेज ये है कि मैं इंजीनियर था, पैशन फॉर आर्किटेक्ट था, इट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन मेनी वेज, इवन बीइंग एन इंजीनियर एज अ चीफ इंजीनियर वहाँ भी मुझे बहुत फायदा हुआ, जहाँ मुझे लगता है कि आई वॉज गिविंग दैट इनपुट ऑफ माई पैशन इन टू माई इंजीनियरिंग, तो ये ब्लेंड जो था इट हैज हेल्प्ड मी, उसने बहुत मदद की मुझे, मैं मुझे ये तो इस बारे में ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में और फ्यूचर हम बहुत अच्छा देख रहे हैं, इंशाल्लाह चेंज है, एनवायरमेंटल कंसर्न भी है, छोटे हमारे जो नई जनरेशन है उनको एनवायरमेंट कंसर्न भी है, दे आर रियली कॉन्शियस ऑफ यू नो उनको सेंसिटिविटी है, राइट सर, सर चूंकि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वी शुड सीक द गाइडेंस ऑफ इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स बिफोर कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे चूंकि श्रीनगर का आउटलुक टोटली बदल गया, काफी सारी डेवलपमेंट देखने को मिली, पर अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, अगर मैं बात करूं सन्नत नगर के पास जो फ्लाईओवर अभी बना रहे हैं उस पे काम चल रहा है, वो तो अभी शुरू हुआ था, वेरी टाइम में कितना टाइम लग सकता है, मुझे लगता है अगले साल, बिकॉज़ आप बेमना वो भी व्हेन आई वाज सीइंग दैट वी स्टार्टेड इट, मतलब यू हैव टू बी हैप्पी दैट वो भी बहुत तेजी में अप्रूव भी हो गया, अलर्ट भी हो गया, अदर बहुत इतना टाइम लगते थे पता है, सालों साल लगते थे, तो मैं तो वाइल्ड पिच का हमेशा जिक्र करता हूँ, मैं दो साल में हमने वो कर दिया, इसी तरह ये बेमना एंड नौगाम इज ऑलमोस्ट नाउ दे आर थ्रू, और ये तो पिछले साल ही इसी साल हमने शुरू किया, 1923 में ही शुरू किया एंड मिड जून में शुरू किया था, आई थिंक नेक्स्ट ईयर बाय नेक्स्ट ईयर डेढ़ साल मुझे लगता है दैट विल यू एंड यू विल हैव मोर प्रोजेक्ट्स, बिकॉज जो भी उस टाइम हमने वो कंसीव किए थे माई बॉस एंड यू नो बाकी फुल टीम ने, you will see a very different landscape of you know urban mobility जिसको बोलते हैं, ठीक है इंजीनियर साहब, जो कि प्रोग्राम में अब ज्यादा वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है, कुछ ही वक्त बचा है, हमें बताइएगा अब आप आगे क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाहते हैं, इंजीनियर तो आप हैं और आप अच्छे से बुक को भी आई विल बी मैं कंसल्टिंग करूं wherever I will be required, आई विल बी मॉनिटरिंग एंड यू नो मेंटरिंग, आई विल मेंटर जितना भी जो भी मैंने मुझे जो मेरे साथ जुड़े थे इन दोनों छोटे छोटे इंजीनियर्स मतलब एट एवरी डिपार्टमेंट आई हैव ट्राइड टू मेंटर देम एंड इन देम आई एम सीइंग अ होप एंड आई विल कंटिन्यू इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने मौका दिया सेहत रखी
तो मैं मेंटर करने की कोशिश करूंगा कि जहां जहां भी मेरी कंट्रीब्यूशन चाहे एज अ कंसल्टिंग या एज मेंटरिंग यंग प्रोफेशनल्स फॉर फ्यूचर, आई विल बी डूइंग दैट इंशाल्लाह, बिकॉज एज अ प्रोफेशन यू कैन नॉट रिटायर, यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, बट एज अ प्रोफेशन यू विल कंटिन्यू टू बी देयर. तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने सेहत रखा, पूरा सेहत रहना चाहिए, तो आई विल बी देयर एज अ कंसल्टेंट एज अ मेंटर फॉर फ्यूचर एंड देन एडवाइजिंग द यंग पीपल टू बी क्यूरियस अबाउट नोइंग थिंग्स. आप क्यूरियस रहो, आप चैलेंजेस को लेने के तैयार हो, डोंट बी टेक्स्ट बुक स्टाइल, यू नो, जस्ट टेक चैलेंजेस, और चैलेंज जब आए उसको हल करने तक मत सो जाओ, उसको फाइंड सोल्यूशन. आज की डेट में सोल्यूशन फाइंड करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो सोल्यूशन फाइंड करके उसको ग्राउंड पे ले दो. मैंने देखा गुड नंबर, दे आर वेरी गुड, बट जब बारी आती है ना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, दे लैग थोड़ा उसमें, दे हैव टू जंप आउट, यू नो, दे हैव टू बी, बिकॉज प्रोजेक्ट प्लानिंग इज रिस्क ऑल्सो, इट्स नॉट से दैट यू विल ऑलवेज हैव सक्सेसेस. Every failure is a success, is a milestone for another success. True. So you cannot fear a failure, you don't do anything. और तैयार रहना हमेशा ज़हनी तौर पर. Failure तो होते हैं, कुछ percentage failures होते हैं, ऐसे ये नहीं कि मतलब you will be always success, because you have to take innovative steps. कोई नया चीज़ करना. Life cannot be smooth always. It cannot be. It cannot. और जैसा कि आपने कहा ना कि इससे कबल भी आप इसके साथ साथ आप अंजाम देते रहे, साथ में आप यहाँ स्किल एनहांसमेंट के हवाले से भी काम करते रहे. नाउ आई विल बी बेसिकली, नाउ आई विल बी अगेन, जो भी नए आते हैं मैं कह रहेगा या इवन आवर प्रोफेशंस, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी हेल्पफुल टू देम, गिव माय व्हाट एवर इनपुट आई हैव. अच्छा, एक तो जनरल लोगों के लिए आपने मैसेज तो दे दी कि, और बिलखसूस जो नौजवान है, लेकिन जो वुड बी इंजीनियर्स हैं या जो ख्वाब रखते हैं, सोचते हैं कि इस फील्ड में आ जाएं, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या हम आपका वो है? उनके लिए मैसेज है जो मैंने अभी कहा कि फॉर देम यू हैव टू बी क्यूरियस, दे हैव टू बी रेडी टू टेक चैलेंज, एंड देन नो प्रोफेशन इज, छोटा बड़ा प्रोफेशन कुछ नहीं होता, आपसे आप अपने आप से प्रोफेशन बनाओ, यू कैन क्रिएट अ प्रोफेशन. आप प्रोफेशन को आप एक शेप दे सकते हो, आप आइडेंटिटी दे सकते हो उसके. दैट्स व्हाट आई बेसिकली wish all of them. आप जिस भी फील्ड में हो, इट इज अप टू यू टू मेक दैट फील्ड एक्सेल. और सबसे अहम बात ये कि जो आप क्लासरूम्स में पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि वही चीजें आपको ग्राउंड पे नेवर गेट इट सामने आ जाए. दैट्स ओनली अ गाइड, दैट्स ओनली पॉलिशिंग यू, बट देन कटिंग एज इज आपके पास, दैट इज यू आर दे आर मेकिंग यूर नाइफ. कट तो आपको खुद करना है. सर, इसके अलावा हम बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देखते हैं वो शिफ्ट करते फिर और किसी काम की तरह, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है? दैट इज बेसिकली अगेन आई एम सेइंग, जहां भी आपको मतलब लगता है you are comfortable, get into that. No, there's no issue. It's a stepping stone. Any education it's is a stepping stone. It's not just a degree. No, it's just a you can implement it anywhere. Stepping stone. I was basically अभी मैं one of my niece is doing पता नहीं applied psychology with MBA. So actually, you know, this is MBA is everywhere. Management is everywhere. इंजीनियर मैनेजमेंट, साइकोलॉजिस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ बंसल के. बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस खसूसी शुमारे में इतनी अच्छी इनसाइट हमारे साथ शेयर करने के लिए, और जो कई सारे लोग हैं उनको इंस्पायर करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन टुडे सेशन. और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे, इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से अपने साथ से हमें नवाजते रहिएगा, और हर सुबह देखते रहिएगा अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के.